चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर अब ओरछा से मिल रही है, जहां बोरवेल में मासूम गिरा हुआ है, लेकिन अभी तक उससे बाहर नहीं निकाला जा सका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लगातार 71 घंटे बीत चुके हैं। प्रहलाद को निकालने का काम जारी है। जमीन में लगभग 65 फीट गहरा गड्ढा किया जा चुका है। बच्चे तक पहुंचने के लिए 20 फीट लंबी सुरंग खोदी गई है। लगभग 4 फीट सुरंग खोदने का काम और बाकी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार मौके पर डटी हुई है। मौके पर डॉक्टर्स की भी टीम मौजूद है, पुलिस प्रशासनिक टीम भी मौके पर मौजूद है। तो मासूम प्रहलाद को बस बचाया जाए, सकुशल बचाया जाए, यही दुआ यहां पर की जा रही है। कोशिशें हालांकि लगातार जारी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। अब बस कुछ ही घंटों का इंतजार जब प्रहलाद को बाहर निकाला जा सकेगा। बच्चे की हालत जैसे मैंने पहले बताया था आपको, 4 तारीख से स्थिर है, उसमें मूवमेंट नहीं है। तो अभी हम कुछ कहने की और हालत में नहीं है, लेकिन जो रेस्क्यू वर्क है वो अपनी स्पीड से लगातार चल रहा है। एक सेकंड के लिए भी आराम नहीं हुआ है, एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं हुआ है वो। हमने संसाधन सारे जुटाए हुए हैं, जितने भी हमारी एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीम को चाहिए। अभी 5 से 6 घंटे और माने आप कि अभी लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं डिफ़िकल्टी भी बढ़ती है। कुछ पानी का भी इशू आ रहा है, पानी भी वहाँ पर है जो कि पंप आउट करना पड़ रहा है। चलिए, तो डिफ़िकल्टीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग ये सिचुएशन है, क्योंकि एक तो मिट्टी हार्ड है और ऊपर से वहाँ पे पानी भी है, जिसकी वजह से जैसा कि अभी हमने सुना कि ये पानी को भी निकालना पड़ रहा है। तो लगातार प्रशासनिक अमला डटा हुआ है मौके पर। कोशिशें की जा रही हैं कि जल्द से जल्द प्रहलाद को बाहर निकाला जाए। सीसीटीवी के जरिए भी प्रहलाद की निगरानी की जा रही है, लेकिन चिंतनीय विषय ये है कि अब बच्चे की हलचल के बारे में कुछ पता नहीं लग पा रहा है, जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो 71 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रहलाद को बाहर नहीं निकाला जा सका है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है। मौके पर डॉक्टर्स की टीम भी है कि जैसे ही प्रहलाद को बाहर निकाला जाएगा, मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत उसका इलाज किया जाएगा। तो बोरवेल में मासूम गिरा और बोरवेल के ऊपर केसिंग नहीं लगी थी, जिसके चलते ये हादसा हो गया। 71 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रहलाद का रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो पाया है।